यूपी के शहरों में सड़कों पर आवारा पशुओं की धर पकड़ तेज है। नगर पालिका के कर्मचारी मशक्कत में जुटे हैं। राजधानी लखनऊ में दल बल के साथ निकले कर्मचारी दिन भर पशुओं की तलाश में शहर में फिरते रहे। जहां भी आवारा पशु दिखा वहीं धर पकड़ शुरू। कुछ हाथ आए, कुछ तमाम कोशिशों के बावजूद निकल भागे। सारी की सारी नाकेबंदी बेकार चली गई। मरता क्या नहीं करता, सरकारी आदेश है, डंडा को पिटना ही पड़ेगा। सो कर्मचारी गायों को पकड़ते रहे और गौशाला में भेजते रहे। गाय की प्रवृत्ति होती है कि वो शाम को अपने घर जरूर आती है, उसी प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं ये दूध पालने दूध बेचने वाले लोग। वो आती है तो फिर थोड़ा सा चोकर या दाना लगा के उसका दूध निकाल के फिर बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो दंड का भी प्रावधान किया गया है, उनके खिलाफ हम FIR भी कराएंगे कि जो रिपीटिशन में गाय छोड़ रहे हैं सड़क पर, तो उस पर उनका अंकुश आएगा। और फिर ये अपने अपने या तो जिनको पालना है वो अपने घर में रखें, और नहीं तो अगर सड़क पर जो मिलेगी फिर वो गौ सेवा केंद्रों में ही रहेगी। सिर्फ लखनऊ की ही नहीं, पूरे सूबे में कर्मचारी शहर में भटकते आवारा पशुओं को पकड़ने में तैनात किए गए हैं। झांसी की तस्वीर देख लीजिए, हापुड़ की तस्वीरें भी जुदा नहीं है। यहाँ भी नगर पालिका इसी काम में जुट गई है, हालांकि अफसर संसाधन नहीं होने का रोना रो रहे हैं। ये हो रही है हमारे को, चूँकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट नहीं है और चूँकि पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है, पशुपालन विभाग को साथ में रहना चाहिए, लेकिन अभी वो मेरे साथ में नहीं है और हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, इसलिए बड़ी परेशानी से बड़ी मुशक्कत से मुझे पशुओं को ले जाना पड़ रहा। पहले आवारा पशुओं को पकड़ना ही किसी जंग से कम नहीं, एक बार पकड़ भी लिया गया तो चुनौती उनके रख रखाव को लेकर है। प्रशासन ने तैयारी तो की है, लेकिन इसके बावजूद गौशाला में गायों की मौत हो रही है। अब तक अलीगढ़ में करीब 70 से 75 पशुओं की मौत हो चुकी है। तरह से किसानों ने गायों को भरा था कि उसमें ऑन द स्पॉट 40-45 गाय तो खत्म हो गई थी और उसमें कई घायल हो गई थी और कुछ मरने की कंडीशन में, तो अब तक लगभग 70-75 गोवंश हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके। बूढ़ी हो चुकी गायों को पशुपालकों ने भगवान भरोसे सड़कों पर छोड़ दिया है। अब इन छोड़े हुए पशुओं के रखरखाव का बीड़ा प्रदेश सरकार ने उठाया है, हालांकि इसके लिए खर्च हमारे और आपके जेब से ही वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही पूरे राज्य में गौशाला बनाने के लिए गौ कल्याण उपकर लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 0.5% सेस वसूला जाएगा।